नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करने वाले हैं 7 लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन्स के बारे में, जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा मीनिंगफुल और भी ज्यादा कलरफुल बना सकते हैं दोस्तों। और इन सभी लेसन्स को हमने कवर किया है द लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन्स बुक से, जिसके ऑथर हैं दोस्तों हेल अर्बन। एंड अगर आप इन सभी लेसन्स को और भी ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारी इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये दोस्तों बात करते हैं हमारी इस बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन्स बाय हेल अर्बन। दोस्तों इस बुक के ऑथर हेल अर्बन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो हमेशा पर्सनैलिटी के साथ पॉजिटिव लक्षणों और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हमेशा फोकस करते हैं। दोस्तों उनकी ये बुक लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन्स को रीडर्स डाइजेस्ट ने इंस्पिरेशनल बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। हेल कई सालों से दुनिया भर के लाखों लोगों को अपने शब्दों के जादू से इंस्पायर करते आ रहे हैं, और आज हम उन्हीं के इस बेस्ट सेलिंग बुक से आप लोगों के साथ कुछ इंपोर्टेंट लेसन्स लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस ही हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं। हम बेशक किसी काम में सक्सेसफुल रहें या फिर अनसक्सेसफुल रहें, ये अलग बात है, पर उस अनुभव से हम कुछ ना कुछ सीख जरूर लेते हैं। हमारी लाइफ के यही एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं कि आगे फ्यूचर में कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे एक बेहतर इंसान बना जाए। हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमें चीज़ों को लाइफ के अंदर एक अलग नज़रिए से देखने के लिए इंस्पायर करते हैं। लाइफ के इन्हीं मीनिंगफुल लेसन्स को सीखने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने के लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बच्चा या फिर बूढ़ा, लाइफ के लेसन्स कोई भी डिस्कवर कर सकता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि कुछ सीखने के लिए अब बहुत देरी हो चुकी है। इस समरी में आपको लाइफ के कुछ ग्रेटेस्ट लेसन सीखने को मिलेंगे। ये लेसन्स और स्टोरीज आपको लोगों के अंदर की अच्छाइयों को देखने में आपकी हेल्प करेंगे, जो शायद आज तक आप नज़रअंदाज करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये आपको अपने अंदर की पोटेंशियल से भी वाकिफ कराएंगे, जो आपके अंदर छिपी हुई है। इन्हें पढ़ करके आप अपने अंदर के इनर रिसोर्स डिस्कवर करके अपना ही एक बेहतर वर्जन बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे सबसे पहले लेसन के बारे में, जिसमें ऑथर में बताते हैं कि सक्सेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी। सक्सेस वर्ड में कई सारे कॉमन स्टैंडर्ड आते हैं दोस्तों, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होना किसी इंसान के पैसे या उसकी हैसियत पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही ये फेम और ईगो से तय किया जा सकता है दोस्तों कि कोई इंसान सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। बल्कि इसके बजाय सक्सेसफुल होने का असली मतलब है किसी इंसान के अंदर की सबसे बेस्ट क्वालिटी या फिर खूबी को बाहर निकालना। अक्सर लोग सक्सेस को पैसों से तोल करके देखते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में दौलतमंद होना या तो बुरी बात है या फिर अच्छी बात है। हालांकि अमीर और खुशहाल होना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, लेकिन लालच जरूर बुरा है, जो अक्सर दौलत की वजह से पैदा होता है। यही वजह है कि पैसे को लेकर के लोगों के मन में कई सारी गलत धारणाएं अभी भी बैठी हुई हैं। अब क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के देखने का नज़रिया है कि वो अमीर होने को सक्सेसफुल होने की निशानी मानते हैं, यही वजह है कि आज कई सारे लोग रातों रात मल्टी मिलियनेयर बनने का सपना देखते हैं दोस्तों। वो किसी भी तरह और कोई भी रास्ता अपना करके बहुत सारी दौलत कमाना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि सक्सेसफुल होने को हम पैसों से तोलकर नहीं देख सकते। 1980 यानी कि 1980 के दशक में कई ऐसे लोगों की स्टोरी सुनने को मिलती हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करके तुरंत मिलियनेयर या फिर बिलियनेयर बन गए थे। इनमें से एक स्टोरी है दोस्तों इवान बोस्की की, उस टाइम के जाने माने फाइनेंशियल मास्टर्स में से एक। उन दिनों इवान हर किसी को यही कहता था कि आज की डेट में जो अमीर है वही सक्सेसफुल है। पर इन सब के कुछ महीनों के बाद ही इवान को जेल हो गई थी। उस वक्त उसके अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड की कई सारी और कंपनीज भी पैसों के लालच में इतनी ज़्यादा अंधी हुई जा रही थी। एनरॉन उस वक्त एक लीडिंग कंपनी सिर्फ इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि इसने टॉप तक पहुंचने के लिए तरीका ही गलत चुना था, और अंत में पैसों के लालची लोगों और कंपनियों का एक ही हशर हुआ। लोगों की जॉब चली गई,
कंपनी के इम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स भाग गए। यहाँ तक कि कंपनी के इंश्योरेंस प्लान भी फेल हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लाइफ में सक्सेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसे पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे लालची लोग ये नहीं जानते थे कि पैसों का ये लालच कैसे उनकी लाइफस्टाइल को बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है। टॉम पीटर ग्रुप ने अब तक हजारों बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू लिया, तो उनके हिसाब से लगभग आधे से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं थे, और करीब 68 यानी कि 68% लोगों के लिए फैमिली से ज़्यादा उनकी जॉब इम्पोर्टेंट थी। असल में पैसे का लालच इंसान के दिलो दिमाग में इस तरह से हावी हो गया है कि ये उनकी खुशियों, उनका सुकून छीन रहा है। लेकिन असल में सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती, और अमीर होना सक्सेसफुल होने का मेन रीज़न तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जानने के लिए कि हमें क्या चीज़ सक्सेसफुल बनाती है, और आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि हम हमेशा टॉप पर बने नहीं रह सकते, बल्कि अक्सर हमें सिर्फ इतना करने की ज़रूरत होती है कि हम जो भी करें बेस्ट वे में करें, पैसों के पीछे भागने और लालची बनने के बजाय पहले अपने अंदर की गहराइयों में झांके, ताकि आपको अपनी हिडन पावर्स और उन रिसोर्सेज का पता चल सके जो आपको सक्सेस तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप उस सच्ची खुशी को ढूंढ पाएंगे जो पैसों से कभी भी नहीं खरीदी जा सकती। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लाइफ लेसन के बारे में, जिसमें ऑथर हमें बताते हैं दोस्तों कि लाइफ इज हार्ड एंड नॉट ऑलवेज फेयर। लाइफ अनुभवों का एक लंबा सिलसिला है दोस्तों, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जहां हम कई तरह के एहसासों से गुजरते हैं, जैसे खुशी और गम। लेकिन बेशक हम में से ज़्यादातर लोग जीने का एक आइडियलिस्टिक तरीका चूज कर लेंगे, जहां पर दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो। पर हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हकीकत की ज़िंदगी ख्यालों से अलग होती है। रियल लाइफ काफ़ी हार्ड होती है दोस्तों, जहां हमें कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जिंदगी के सफ़र में चुनौतियां भी मिलेंगी दोस्तों, जो हमें अलग अलग तरीके से आजमाती हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दोस्तों कि हम लोग शिकायत करने लगते हैं कि क्यों ज़िंदगी इतनी मुश्किलों से भरी हुई है। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि हम चाहे तो पूरी बहादुरी के साथ इन परेशानियों और तकलीफ़ों का सामना कर सकते हैं। आप चाहे हंस कर जियो या फिर रो कर जियो, ये सिर्फ आपके हाथ में दोस्तों। इस बुक के ऑथर हेल अर्बन के पास एक बार एक फ्रेशमैन स्टूडेंट आया, जिसे वो पहले भी पढ़ा चुके थे। वर्ल्ड स्टडीज क्लास में एक टीचर होने के नाते हेल अपने स्टूडेंट को कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट दिया करते थे, ताकि उन्हें सोचने और उस पर काम करने का मौका मिले। असाइनमेंट देने के कुछ ही देर बाद स्टूडेंट ने उसे शिकायत कर दी कि होमवर्क काफ़ी मुश्किल मिला है। हेल ने बस यही कहा, लाइफ काफ़ी मुश्किल है, ये तो सिर्फ एक होमवर्क है। फिर कुछ टाइम बाद हेल को जब उसी स्टूडेंट से दोबारा मिलने का मौका मिला, तो उसने हेल से कहा कि हेल ने उसे जो कुछ सिखाया था उसके लिए वो उनका एहसानमंद है। ये समझने के बाद कि ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है, वो स्टूडेंट अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को हिम्मत से फेस करता चला गया, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर पर्सन बन करके निकला। तो जब भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ हार्ड है, तो हमारे लिए किसी भी चैलेंज को फेस करना इजी हो जाता है दोस्तों, जिससे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें हर स्ट्रगल में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आदत सी हो जाती है दोस्तों, जो हमें फिर से खड़े होने और अपना ही बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करती है। लाइफ हार्ड है दोस्तों, ये एक्सेप्ट करने के अलावा हमें ये भी नोट करना होगा कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है, कई बार तो हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन इन सारी जातियों और बुरे अनुभवों के बावजूद एक चीज़ तो पक्की है, इन मुश्किलों और परेशानियों से गुजरने वाले हम अकेले नहीं हैं दोस्तों, बल्कि हमारे जैसे कई लोग हैं। बेशक कई बार ज़िंदगी बहुत कड़े दौर से गुजरती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें या फिर ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही ना रखें। ऐसा नहीं है, अगर हम चाहें तो हमारे ऊपर है कि मुश्किलों से लड़ते हुए
भी हम खुश रह सकते हैं और हर दुख दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए हम अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लाइफ लेसन के बारे में। वी लिव बाय चॉइस नॉट बाय चांस। हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो जैसी चाहे वैसी लाइफ को जीने के लिए आज़ाद है। हो सकता है दोस्तों कि कुछ लोग इस बात पर आर्ग्यू करें कि हम अपनी लाइफ खुद चूज नहीं करते, मगर फिर भी हम कैसे जिएंगे ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है। जिंदगी में चाहे जो भी हालात हों, कम से कम हमें इतना तो हक है कि हम किसी भी परेशानी या फिर दुख का मुकाबला चाहे मुस्कुराते हुए करें या फिर रोते हुए करें। दरअसल बहुत से लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि हमारे पास चूज करने की पावर है, जो हमारे लिए एक पावरफुल हथियार की तरह है। सुबह जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, उसी वक्त से लेकर के दिन भर में हमारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं दोस्तों। हमारी डेली की यही चॉइसेस हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। ये इतनी मामूली बात है दोस्तों कि हम इस पर गौर करने की जहमत भी नहीं उठा दें। अपने कॉलेज के दिनों में हेल जब जेसुट स्कूल में फिलोसफी क्लास अटेंड किया करते थे तो स्टूडेंट्स को सोचने के लिए एक चैलेंजिंग टॉपिक दिया जाता था कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनके जीने का असली मकसद क्या है। अक्सर स्टूडेंट को मीनिंग ऑफ लाइफ और गॉड पर अपने विचार लिखने के लिए बोला जाता था। इसके अलावा क्लास में अक्सर ऐसे टॉपिक पर डिबेट्स होती रहती थी। हर दिन हेल और से क्लासमेट को गॉड यानी कि भगवान होने के या फिर ना होने पर डिबेट करने के लिए बोला जाता था। उनकी क्लास के एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि भगवान अगर है तो क्यों लोग इतनी दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं, क्यों नहीं भगवान सभी के दुखों और उदासी को खुशी में बदल देता। अगर भगवान है तो वो क्यों नहीं लोगों की परेशानियों को दूर कर देता। इस सवाल के बाद टीचर ने उससे कहा, अगर गॉड ने सबकी तकलीफ और दुखों को दूर कर दिया तो हमारी जिंदगी किसी रोबोट जैसी हो जाएगी। अगर हमें दर्द नहीं होगा तो खुशी का एहसास कैसे होगा। अगर आंसू नहीं होंगे तो हंसी की कीमत कैसे पता चलेगी। इसी तरह से अगर हार नहीं होगी तो जीत का एहसास कैसे पैदा होगा। शायद इसीलिए भगवान ने इंसान की लाइफ ऐसी बनाई है क्योंकि वो चाहता है कि हम सभी हर चैलेंज और दुख के बावजूद लाइफ के असली पर्पज तक पहुँचे। और सबसे बढ़कर तो ये है कि गॉड ये देखना चाहता है कि हम उस फ्रीडम का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो उसने हमें दी है, यानी कि वो पावर जो हमें चीज़ों को चूज करने का मौका देती है। तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए भी हम एक भरपूर लाइफ जी सकते हैं। अक्सर हम कई लोगों से मिलते हैं जो अपनी लाइफ की परेशानियों, मुश्किल हालातों और बैड लक को लेकर के शिकायतें करते हैं। अक्सर ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि वो उस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उन चीज़ों का रोना रोने की बजाय हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पावर हमारे हाथ में ही है कि हम उन सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं जो हमारे साथ हो रही हैं। तो चूज करने की अपनी इस फ्रीडम को सही तरीके से यूज करके हम अपनी लाइफ के पाथ को डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम अपने करेक्टर, अपनी वैल्यूज, अपने बिलीव्स, एटीट्यूड और अपने पर्पज को खुद चूज कर सकते हैं। अपनी चॉइस को सही इस्तेमाल करके और सही डिसीजन ले करके हम खुद को अपनी मर्जी से जो चाहे वो बना सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी इन सभी बातों से एग्री करते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप यस टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लाइफ लेसन के बारे में, जिसमें ऑथर हमें बताते हैं, एटीट्यूड इज चॉइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन यू विल एवर मेक। हम में से हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह का चैलेंज फेस कर रहा है और एक एटीट्यूड है दोस्तों जो हमें बताता है कि हम प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं कर सकते पर अपने एटीट्यूड के दम पर उससे बाहर जरूर निकल सकते हैं। और ये एटीट्यूड जो हमारे पास है वो हमें उस मुकाम पर ले जा सकता है जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। इसलिए एक सही एटीट्यूड ही सही डायरेक्शन दे सकता है और एक बुरा एटीट्यूड हमें लाइफ से भटका भी सकता है। लोगों की लाइफ में एटीट्यूड का बड़ा रोल होता है दोस्तों। ये हमारे सोचने, फील करने और किसी भी सिचुएशन पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। हर इंसान का एटीट्यूड या तो अच्छा होता है या फिर बुरा, और क्योंकि एटीट्यूड हमारे एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है
और वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। एटीट्यूड हमारे दोस्त भी हैं दोस्तों और दुश्मन भी, ये हमें बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि वो कैसा एटीट्यूड चूज करता है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में हिटलर की जातियों का शिकार हुए थे, उन्हें एक प्रिजन कैंप में रखा गया था जहाँ उन्हें तरह तरह के टॉर्चर किए गए थे। इसके अलावा इस वर्ल्ड वॉर में उनकी फैमिली, उनकी जॉब, उनका घर सब कुछ छीन गया था और कैंप में विक्टर के कई सारे दोस्तों को तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। कुछ ने तो खुदकुशी ही कर ली थी और कुछ वहाँ के हालात में सर्वाइव नहीं कर पाए थे। लेकिन विक्टर को इस बात की ज़्यादा फिक्र थी कि वहाँ के कैदी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुश्किल हालात का सामना करने के बजाय निराशा के भंवर में डूबते जा रहे हैं। विक्टर का एहसास हुआ कि एक चीज़ है जो उनसे कोई भी, यहाँ तक कि हिटलर की नाजी सेना भी छीन नहीं सकती, और वो है उनकी फ्रीडम ऑफ चूजिंग एटीट्यूड। यानी कि किसी भी हालात में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि नाजी उन्हें ये नहीं कह सकता कि तुम इस मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव एटीट्यूड मत रखो। ये तो उनकी चॉइस थी और वे जानते हैं कि सिर्फ यही चॉइस उन्हें बचा सकती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अपनी लाइफ की सबसे बुरी दर्दनाक घटना से गुजरने के बावजूद भी डॉक्टर विक्टर एक जाने माने साइकेट्रिस्ट बने। उन्होंने लोगों को ये समझने में हेल्प की किसी भी सिचुएशन में राइट एटीट्यूड रखना कितना इम्पोर्टेंट है, और ये उनके हाथ में है। डॉक्टर विक्टर ने लोगों को ये एहसास दिलाने में भी हेल्प की कि लाइफ के सबसे मुश्किल वक्त में भी उनके पास गिव अप ना करने की चॉइस थी। विक्टर ने अपने नेगेटिव एटीट्यूड को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया, खासकर उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब वो नाजी कैंप में जुल्म सह रहे थे। अपने इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो सर्वाइव कर पाए, यहाँ तक कि वो दूसरों को भी मोटिवेट करते रहते। तो देखा आपने दोस्तों, ये हमारे हाथ में है कि हम विक्टर की तरह बने या फिर उन कैदियों की तरह जिन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी और निराशा की गहराइयों में डूब कर अपनी जान दे बैठे थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन के बारे में, जो है, हैबिट्स आर द की ऑफ ऑल सक्सेस। जो बिहेवियर हम रिपीट करते हैं दोस्तों, वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन जाते हैं और इन्हें ही हम हैबिट यानी कि आदत कहते हैं। लोग अच्छी और बुरी दोनों तरह की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो उन हैबिट्स पर फोकस करना भूल जाते हैं जो हमें एक इंसान के तौर पर ग्रो होने में हमारी हेल्प करती हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी हैबिट्स को पहचान कर उन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर बुरी हैबिट्स पर, क्योंकि बाद में उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। हैबिट्स बदलती भी हैं दोस्तों, चाहे वो कितनी भी छोटी उम्र से या फिर कितने लंबे वक्त तक हमने प्रैक्टिस क्यों न की हो, और ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब कोई इंसान अपनी हैबिट चेंज करना चाहे। बेसिक एडजस्टमेंट करना ईजी नहीं होता, खासकर जो हमारी लत होती है। अक्सर हैबिट बदलने में टाइम भी चाहिए और पेशेंस भी, और हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे एक मिडिल एज उम्र में आदमी को गाली देने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि ये आदत उसे 30 से 40 साल पहले पड़ी थी, तो वो ये कभी जान नहीं पाएगा कि ये हैबिट उसे और उसके आसपास के लोगों पर बुरा इफेक्ट डाल रही है, और उस दौरान उस आदमी को कभी महसूस नहीं हुआ कि गाली देना बुरी बात है। उसे लगा कि ये सिर्फ कुछ शब्द ही तो हैं, और वैसे ही उसे इसकी आदत हो चुकी थी। एक दिन उसका एक दोस्त जिसे उसकी फिक्र थी, उसने उस आदमी से इस बुरी आदत के बारे में बात की। उसके दोस्त ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी ये हैबिट उसकी पहचान बनती जा रही है। लोग उसकी हैबिट को उसके करेक्टर से जोड़ करके देखते हैं। साथ ही उसने उस आदमी से ये भी पूछा कि क्या उसे लोगों के साथ इस तरह के वर्ड यूज करते हुए बुरा नहीं लगता। उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि वो गाली गलौज के बजाय इज्जत और प्यार से बात करके भी अपना काम निकलवा सकता है। इस घटना के बाद उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा उसे अपनी ये हैबिट बदलनी चाहिए। उसे तो एहसास ही नहीं था कि जो लैंग्वेज वो इतने लंबे टाइम से यूज कर रहा है लोगों को बुरी लगती है, और इस तरह अपने फ्रेंड की बात से इन्फ्लुएंस हो करके उस आदमी ने अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा लिया। कई बार हम कई चीज़ों पर गौर नहीं करते क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी होती हैं,
उन बिहेवियर और हैबिट्स को चेंज करना मुश्किल लगता है जो हमें सही लगती हैं या फिर हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, जैसे कि इस आदमी के साथ हुआ। लेकिन हमें अगर ये एहसास हो जाए कि जिसे हम गुड हैबिट्स समझ रहे हैं वो दरअसल हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमारे अंदर उसे चेंज करने के स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा होनी चाहिए। आखिरकार ये पावर सिर्फ हमारे पास है कि हम अपनी हैबिट्स और बिहेवियर कंट्रोल करते हैं या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन के बारे में। सक्सेसफुल पीपल डोंट फाइंड टाइम, दे मेक टाइम। हम सबको रोज़ टाइम सेम अमाउंट में मिलता है दोस्तों, है ना दोस्तों, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। वही 24 घंटे आपको मिलते हैं और वही 24 घंटे मुझे मिलते हैं। लेकिन टाइम का सही इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता। कुछ लोग अपने टाइम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं जबकि कुछ लोग बेकार की चीज़ों में अपने कीमती टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि सक्सेसफुल लोग और नॉन सक्सेसफुल लोगों के अंदर क्या फ़र्क होता है, ऐसा क्या है जो उन्हें अलग करता है। तो जवाब है, सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही जानते हैं कि टाइम कितना कीमती है, यानी उन्हें पता होता है कि लाइफ में हर चीज़ कैसे बैलेंस की जाए और इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए टाइम कैसे निकाला जाए। हम अपना ज़्यादातर टाइम किन चीज़ों में बिताते हैं, इसका हमारी लाइफ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। कई साल पहले सैन फ्रांसिस्को में उन लोगों के बारे में कुछ आर्टिकल रिलीज हुए थे जिन्हें लगता था कि वक्त उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। इस आर्टिकल के ऑथर ने लिखा कि अमेरिका में करीब 80% लोगों का मानना है कि टाइम इतनी तेजी से भागा जा रहा है कि उनके सारे काम पूरे नहीं हो पाते। फर्स्ट आर्टिकल के रिलीज होने के कुछ महीने बाद दूसरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये उन लोगों के बारे में था जो अपना टाइम स्पेंड करने के तरीकों को एग्जामिन कर रहे थे। इस बारे में गौर करने पर लोगों को समझ आया कि वो गलत चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इन्हें एहसास हुआ कि अगर ये लोग अपनी लाइफ सिंपल टर्म में जिए और अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर ले तो उन्हें इंजॉय रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकता है। इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इन आर्टिकल में जिन लोगों की बात की गई थी उनकी तरह हम में से भी ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमारे पास वक्त की कमी है, जबकि सच्चाई एकदम अलग है। असल में हमें अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना और चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो चीज़ हमारे काम की हो या फिर ना हो। अपने टाइम और लाइफ को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने दिन की प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखने होंगे, जैसे खुद के साथ अपॉइंटमेंट रखना, अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना और सबसे प्रोडक्टिव टाइम की जानकारी रखना। ये टेक्निक अगर हम सीख गए तो इस बात की गारंटी है दोस्तों कि हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है तो टाइम को रोकने की बजाय जो टाइम मिला है उसका मैक्सिमम यूज़ करना हमें सीखना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लाइफ लेसन के बारे में। इट्स ओके टू फेल, एवरीवन एल्स हैज। दोस्तों हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी हार और असफलता का सामना जरूर करता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फेलियर से मात नहीं खाते बल्कि वो फेलियर को सीढ़ी बना करके सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। फेल होना या फिर असफल होना जिन लाइफ का एक अहम हिस्सा है जिसे आप नकार नहीं सकते, हम चाहे माने या फिर ना माने, पर लाइफ में एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब हम अपनी लाइफ को लेकर के अपनी प्रोग्रेस को लेकर के एकदम निराश हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें एक तरह की फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हमें हार का सामना करना पड़ सकता है जो हमें कई बार डिमोटिवेट भी कर देता है। हम आसानी से हार मान लेते हैं, हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत और कोशिश बेकार गई, पर गौर से देखो तो ऐसा नहीं होता। हम कितनी बार फेल हुए ये मैटर नहीं करता दोस्तों, बल्कि हमने उन फेलियर से क्या सीखा ये ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। थॉमस अल्वा एडिसन फेमस इन्वेंटर थे जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। अपने इन्वेंशन पर काम करने के दौरान उन्होंने बल्ब को जलाने के कई तरीकों पर गौर किया। फाइनली जब उन्हें बल्ब बना लिया था तो उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो एडिसन ने कहा कि वो 10,000 बार फेल हुए तब जा करके उन्हें सही तरीका मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हर कोशिश और फेलियर के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो मंजिल के अभी और भी ज़्यादा करीब आ गए हैं।
थॉमस अल्वा एडिसन बेशक इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, लेकिन सक्सेस मिलने से पहले वो भी कई बार फेल हुए थे। लेकिन थॉमस एक मामले में औरों से अलग थे। दरअसल फेलियर उन्हें हमेशा से दिलचस्प लगता था और अपने हर फेलियर पर वो कुछ ना कुछ जरूर सीखते थे। चाहे कितनी भी बड़ी फेलियर क्यों ना हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते जरूर थे। फेलियर हमारे लिए एक महान टीचर की तरह है, जो हमें लाइफ के कीमती सबक सिखाती है। इसलिए एक इंसान के तौर पर जब भी आप किसी भी टास्क में फेल हों, तो उससे डरिए मत, क्योंकि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जब हम फेल हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें आगे बढ़ने से डिफरेंट रास्ते मिलते हैं। फेलियर हमें ये भी रियलाइज करवाती है कि लाइफ में चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती। अक्सर फेलियर हमें बेहतर प्लान की तरफ ले जाती है, जो हमारे लिए एक एडवांटेज बन जाती है। फेल होने के बाद हमारे स्ट्रेंथ और कैपेसिटी में इजाफा होता है। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, फेलियर हमें चैलेंज करके अपनी लिमिट से बाहर जाने के लिए पुश करती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि फेलियर ही हमें हार बर्दाश्त करना सिखाती है। दोस्तों, हम में से हर एक को ये एक्सेप्ट करना होगा दोस्तों कि फेलियर उस प्रोसेस का पार्ट है जो सक्सेस तक लेकर जाती है। इसीलिए हमारे लिए अच्छा यही है दोस्तों कि हम अपने फेलियर को गले लगाना सीख जाएं और उसे कुछ सीखने की कोशिश करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ग्रो करते ही रहते हैं, साथ ही लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट करना भी सीख जाते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। इस वीडियो समरी में आपने लाइफ के कुछ ग्रेटेस्ट लेसन डिस्कवर किए, जो आपको अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर और मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करेंगे। जो कुछ भी आपने इस वीडियो समरी में जाना, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप एक खुशहाल और एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं, जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। इसमें दिए गए लेसन पर आपको ये महसूस करवाते हैं कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आप अपनी रियल पोटेंशियल को भी अनलॉक कर सकते हैं, जो ना जाने कब से आपके अंदर सोई पड़ी थी। चाहे आप किसी भी उम्र के हो या फिर कैसे भी हालात में हो, अभी भी वक्त है कि आप अपनी कैपेसिटी इम्प्रूव करके एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी हैबिट और एटीट्यूड यूज करें, जिससे आप खुद का बेहतर वर्जन बन करके निकलेंगे। याद रखें दोस्तों, सक्सेस दौलत, शोहरत या फिर ऊंची हैसियत में नहीं है, बल्कि उस पावर में है जो हमें रोजाना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए इंस्पायर करे। अब जबकि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो क्या आपने कुछ सोचा कि कैसे आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और ज़्यादा मीनिंगफुल बना पाएंगे? आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से लाइफ लेसन्स अपनाने वाले हैं? चॉइस, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्म करने की एबिलिटी देते हैं, वो आपके अंदर ही छुपी हुई है दोस्तों। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपकी चॉइस क्या होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समरी पसंद आई होगी। अगर आप इन सभी लेसन्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो आप उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं दोस्तों, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी अमेजिंग बुक्स की वीडियो आप सभी के लिए बनाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल।